मुझे लगता है शायद प्रोटोकॉल में है, हम इन बंदरों को क्या है, हम दोनों स्कूल मेट हैं। अरे खींच जाएगी फोटो यार, खींच जाएगी फोटो। ये मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि मुझे देवभूमि और वीरों की भूमि उत्तराखंड की सेवा करने का अवसर मिला है। प्रदेश एक समृद्ध सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत रही है हमारे प्रदेश की। सैन्य परिवारों की बहुलता है, हर एक घर से सैनिक है। ये मेरी सेना की एक्सटेंडेड फैमिली है। ईश्वर के आशीर्वाद से पहले मैं देश का सिपाही बनकर देश की सेवा कर रहा था और अब वीर सिपाहियों की वो भूमि जिन्होंने उनको जन्म दिया, उनके साथ रहकर उनके परिवारों की सेवा कर सकूंगा। उत्तराखंड के वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं बहनों की वीरता की कहानियां हम सब परिचित हैं उनसे। ऐसे में यहां के बच्चियां सैनिक स्कूल, एनडीए और फौज के लिए प्रेरित कर राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट का नया अध्याय लिखा जाएगा। बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों के बुजुर्ग माता पिता और परिवार यहां हैं। उनका स्वास्थ्य, पेंशन संबंधी समस्याओं का निस्तारण और स्पेशली ECHS और बाकी सुविधाएं मेरी प्राथमिकता है। यमुनोत्री जी, गंगोत्री जी, केदारनाथ जी और वहां पर जिस स्थल पर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी वहां पर भी गया हूं और नमन किया है। लेफ्टिनेंट कर्नल धान सिंह थापा, परमवीर चक्र को नमन और श्रद्धांजलि देता हूं। वो हमारे परिवार के सबसे बड़े गौरव हैं। हमारे सैनिक परिवार ने राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान दिया है और जिस प्रकार उनको सम्मानित किया गया है, जिसमें 23 महावीर चक्र, 147 वीर चक्र, 6 अशोक चक्र, 19 कीर्ति चक्र, इन सब विजेताओं और इनके अन्य भी जो विजेता हैं उन सबको मैं नमन करता हूं। हम बात करेंगे
और अभी मैं सबको नमन करता हूं और मेरी तरफ से जय।